गाइज एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इंडिया फंटेसी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला, जो कि दूसरा मुकाबला है और वो खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो आज फाइनली हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि इस मैच को कौन सी टीम अपने पाले में करने वाली है, कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, एक एक करके बताऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना आपका जरूरी है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं दोनों टीमों में, क्या वो आज अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं या फिर फ्लॉप जाने वाले हैं। जैसे कि इंडिया में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट या जॉनी बरिस्टो, कौन आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है और कौन कौन फ्लॉप जाने वाला है, सब कुछ एक एक करके बताने वाला हूं, पूरा डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में भी मैंने गिब्बे रखा हुआ है, पहला गिब्बे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का, दूसरा गिब्बे सुपर कमेंट का और तीसरा गिब्बे इस वीडियो में एक सवाल पूछने वाला हूं जिसका आपको आसान जवाब देना है। तो जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों में भी दबा के शेयर कर दो। चलो हम जान लेते हैं ये जो मैच खेला जाने वाला भाई प्रोविडेंस स्टेडियम गोयाना के अंदर, ठीक है। सेकेंड सेमीफाइनल मैच है, 27 जून को 8 बजे शाम को ये मैच खेला जाने वाला है। फर्स्ट जो मैच है, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है भाई अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो सुबह में होने की वजह से मैंने उसको कवर नहीं किया है, चूंकि सुबह में सब लोग सोए रहते हैं यार, इसलिए 8 बजे का यह मैच है। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है और खास करके मेगा ग्रैंड लीग लवर्स के लिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखना भाई। बात करें कॉमन प्लेयर्स का डेप्थ एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत यह है कि भाई इंग्लैंड की तरफ से एक ही कॉमन प्लेयर है, अब वो कौन सा प्लेयर है उसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी के प्लेयर जिनको कम लोग लेके जा रहे हैं, क्या वो आज चलने वाले नहीं है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। और भर भर के लोग इंडिया के खिलाड़ियों को लेके जा रहे हैं, भर भर के लेके जा रहे हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी इंडिया के ही है, मतलब एक खिलाड़ी इंग्लैंड का, बाकी सारा खिलाड़ी इंडिया का है जो अभी से लोग अपनी टीम में कंसिडर किए हुए हैं। तो सब कुछ एक एक करके बताऊंगा कौन फ्लॉप जाएगा, कौन इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद ट्रंप प्लेयर भी आपको बताने वाला हूँ, 4 ऐसे ट्रंप प्लेयर बताऊंगा ना जिसको आपने ग्रैंड लीग में रोटेट कर लिया ना तो आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, जैसा कि आप बैक टू बैक देख रहे हो। कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर जो बताता हूँ वो भी सही होता है। उसके बाद जो डेप्थ एनालिसिस करके देता हूँ कि किसको किस कंडीशन में लेके जाना है ना, वो भी सही होता है, बस आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। और जैसे 3-4 टीम बनाते हो ना उसमें कैसे रोटेशन देना है, सब कुछ आगे आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। मस्ट है पिक बताने वाला हूँ जिनको आप सारी टीमों पर मतलब लेके जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद प्लेयर मैचअप भी आपको देखने को मिलेगा वहीं पर, और भी बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। और आगे भी अगर आपको फैंटेसी से रिलेटेड सारे वीडियो चाहिए, सारे मैचों का वीडियो चाहिए, तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है अगर डेली मैचों का अपडेट्स चाहिए ना भाई टीम के साथ, तो ये चैनल ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहाँ आप सब कुछ फ्री में, सब कुछ आपको फ्री में मिलता है भाई, एक भी पैसा आपका नहीं लगता है और सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, तो ये आपका ज्वाइन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम पिच कंडीशन की बात कर लें तो भाई मैं आपको बता दूँ ये पिच बहुत ही धीमा है, जहाँ पर मतलब फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, बहुत ही धीमा पिच है और स्कोर भी कम बनते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग टीम हो तो स्ट्रॉन्ग स्कोर्स भी बन सकते हैं। अब कितना स्कोर बनेगा वो भी आपको बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर धीमी पिच होने की वजह से ना भाई यहाँ पर स्पिनर को बहुत अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है, वहीं पे पेसर भी विकेट से लेके जाते हैं। उसके बाद सेकेंड इनिंग में यहाँ पर इतना आसान नहीं है चेस करना, सेकेंड इनिंग में भी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या चेस करना आसान है या फिर डिफेंड करना आसान है, ये सब कुछ एक एक करके बताऊँगा। बात करें वेन्यू स्टेट्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का 191 रन, वहीं पर युगांडा का 39 रन, मतलब सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर है 39 रन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी कुछ इस पिच से रिलेटेड जान लेते हैं। देखो वेन्यू स्टेट्स पे नज़र डालोगे तो 15 मैचेस अभी तक खेले गए हैं, इस ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने
छः मैचेस को विन किया, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 9 मैचेस को विन किया। तो यहाँ पर सेकंड बैटिंग करना ज़्यादा एडवांटेज है भाई, जो भी टीम टॉस जीतेगी फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करेगी क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग करने वाले को यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज है। वहीं एवरेज स्कोर की बात करें तो 148 का है, और ये एवरेज स्कोर घटा क्यों? चूँकि यहाँ पर वीक टीम कई मैचेस खेल चुकी है जो रन बनाने में असमर्थ रही है, ज़्यादा रन बनाने में असमर्थ रही है, लेकिन ये दोनों टीम स्ट्रांग है तो यहाँ पे आपको तगड़ा स्कोर बनने को बनता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे स्कोरिंग पैनल पर नज़र डालोगे तो 150 से नीचे 6 बार बना है, वहीं पर 150 और 169 के बीच 5 बार बना है, और 170 और 189 के बीच में 3 बार, और 190 से ऊपर 1 बार, 190 से ऊपर अभी तक 1 ही बार बना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करेगी, और ये पिच जो भाई ये पिच जो है ना बैटिंग फ्रेंडली रहने वाला है, जहाँ पर बॉलर्स के अपेक्षा बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज एज मिलने वाला है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मौसम की बात करें तो 27.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान नापा गया है, वहीं पे 85% ह्यूमिडिटी है, और क्लाउडी यहाँ पर मौसम क्लाउडी है, 49% बारिश का चांस है भाई, 49% यहाँ पे बारिश के भी चांस है। अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो यहाँ पर कुछ और ही मामला हो जाएगा भाई, जो मैंने बताया फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को एडवांटेज मिल सकता है, वहीं पेसर को एडवांटेज मिल जाएगा अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ हम जानते हैं इस पिच से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले तीन मैचों का लेखा जोखा यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर भी बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। उससे पहले भाई हम चलते हैं प्लेइंग एलेवन पे, और एक नज़र हम प्लेइंग एलेवन पे डालते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि भाई आज के इस मैच में कॉमन प्लेयर कितने हैं। तो यहाँ पर कॉमन प्लेयर की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर कॉमन प्लेयर इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कॉमन प्लेयर, उसके बाद ऋषभ पंत कॉमन प्लेयर, सूर्य कुमार यादव कॉमन प्लेयर, आ जाओ हार्दिक पांड्या, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, ये कितने खिलाड़ी हो गए, ये टोटल 6 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से कॉमन हैं। और बात करें यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से तो सिर्फ जोस बटलर यहाँ पर कॉमन है, बाकी सबका सिलेक्शन परसेंटेज गिरा हुआ है, डाउन है भाई। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, बताओ ये 6 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से लेके जा रहे हो, क्या इंग्लैंड परफॉर्म नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है। अब कौन खिलाड़ी इसमें चल सकता है और कौन फ्लॉप जा सकता है? क्योंकि आपने देखा फिलिप सॉल्ट आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इंडिया के ही खिलाड़ी वहां पर आमने सामने हुए थे, तो कहीं ना कहीं फिलिप सॉल्ट को भी एज मिल सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की, विराट कोहली को लोग इग्नोर कर रहे हैं जबकि आपको पता है टेक्निकल बल्लेबाज है, अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया ना भाई तगड़ा खेल के जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। वहीं पे बात करें भाई सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव क्या इस मैच में चल सकता है, ये भी हम बात करने वाले। उसके बाद और भी बहुत सारे, अक्षर पटेल इस मैच में क्या करेगा, ये सब कुछ आपको आगे जानने को मिलेगा। अब चलो अब सीधा हम चलते हैं वहीं पर जहां से हम आए थे, अब वहां पर चल करके ना तीन मैचों का हम डेप्थ एनालिसिस करते हैं और यहां पे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा भाई। देखो यहां पर 8 जून 2024 को वेस्टइंडीज और युगांडा के बीच में वेस्टइंडीज फर्स्ट बैटिंग करते हुए 173 रन का टारगेट दिया, वहीं पर युगांडा 39 रन पर ही अपना दम तोड़ दिया भाई। यहाँ पर देख सकते हो 134 रन से वेस्ट इंडीज यहाँ पर जीत गई थी। अब देखो पेसर को यहाँ पर 6 विकेट्स मिले और स्पिनर को 9 विकेट्स मिले, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। 7 जून 2024 की बात करें, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ, अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करते हुए 159 रन बनाया, वहीं पर न्यूजीलैंड 75 रन पर ही ढेर हो गई भाई, 84 रन से यहाँ पर अफगानिस्तान ने मैच को विन किया था। अब देखो पेसर को यहाँ पर 9 विकेट्स मिले और स्पिनर को यहाँ पर 6 विकेट्स मिले। वहीं पर आ जाते हैं 5 जून 2024 को यहाँ पे पीएनजी और यूजीए के बीच में मैच हुआ। अब देखो यहाँ पर पीएनजी फर्स्ट बैटिंग करते हुए 77 रन बनाया और वहीं पे युगांडा यहाँ पे 78 रन बना करके इस मैच को चेस कर लिया। अब देखो यहाँ पर 3 विकेट से युगांडा ने मैच को विन किया था। यहाँ पर पेसर की बात करें तो 9 विकेट्स मिले, उसके बाद स्पिनर को यहाँ पर 6 विकेट्स मिले, तो विकेट्स तो अच्छे खासे गिरते हैं भाई। अब देखो ये मैच चेस करते हुए जीता गया, अब आ जाओ यहाँ पर ये मैच डिफेंड करते हुए जीता गया, वहीं पर ये मैच भी डिफेंड करते हुए जीता गया। तो क्या इस मैच को डिफेंड करना ज़्यादा बेटर रहेगा? नहीं भाई, दोनों स्ट्रांग टीम है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग करने वाले को यहाँ पर ज़्यादा एज मिल सकता है, ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। अब कैसे
किस खिलाड़ी को किस कंडीशन में लेके जाना है, सब कुछ एक एक करके आपको समझ में आएगा और आगे आपको बताने वाला हूँ। टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। अब देखो यहाँ पर बात कर लें पेसर वर्सेज स्पिनर, तो देखेंगे आप स्पिनर को टोटल पिछले 3 मैचों में 21 विकेट्स मिले हैं, उसके बाद पेसर को टोटल 24 विकेट्स मिले हैं। वाह क्या यार, स्पिनर कमाल कर रहा है यहाँ पर पेसर के अपेक्षा। देख सकते हो ना, पेसर को 24 और स्पिनर को 21। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में आप देखेंगे तो पेसर को 11 विकेट्स मिले, सेकेंड इनिंग में 13, मतलब दोनों इनिंग्स के लिए पेसर यहाँ पे कमाल कर सकते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम है, अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है ना तो फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले के अंदर यानी कि स्टार्टिंग ओवर में आपको अच्छे खासे विकेट्स पेसर यहाँ पे लेते हुए दिखेंगे। वैसे पिच का जो बिहेवियर है ना भाई, यहाँ पे धीमा पिच होने की वजह से कहीं ना कहीं स्पिनर को अच्छा एज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि चूंकि मौसम कुछ अलग है तो यहाँ पर पेसर अच्छे खासे विकेट से लेकर आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पर स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 8 और सेकेंड इनिंग में 13, सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर विकेट्स स्पिनर को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो अब एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखने की ज़रूरत है 45 विकेट्स गिरे कितने मैचों में, टोटल 3 मैचों में, पर मैच 15 विकेट्स गिर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब कौन ऐसा बॉलर है जो विकेट से लेकर जाने वाला है, देखो दो ऐसे बॉलर हैं ना वो 3 से 4 विकेट से लेकर जा सकता है, वो कौन ऐसा बॉलर है वो फाइनली आपको आगे पता चलने वाला है। अब आगे यहाँ पे टोटल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की हम बात कर लें यहाँ पर, तो पिछले 23 मैचों की हम बात करेंगे। पिछले 23 मैचों में इंडिया ने 12 मैचेस को विन किया और वहीं इंग्लैंड ने 11 मैचेस को विन किया, तो लगभग बराबरी का मुकाबला है। लास्ट 5 मैच की बात करें तो इंडिया 5 का 5 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे इंग्लैंड की बात करें तो 4 मैचेस को विन करके आ रही है, 1 मैच लूज करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा यहाँ पर भारी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा फेवरेट इंडिया ही रहने वाला है भाई, इस मैच को इंडिया ही जीतने वाली है यार, इंग्लैंड तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली, लेकिन इंग्लैंड के ऐसे ऐसे प्लेयर आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे ना जिनको लोग बहुत कम लेके जा रहे हैं। अब वो कौन से खिलाड़ी हैं फाइनली एक एक करके बताने वाला हूँ आपको, बस देखते जाना। देखो अब यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो दोनों का पलड़ा सेम है भाई। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 50% इंडिया का चांस है और 50% यहाँ पर इंग्लैंड का चांस है, लेकिन मेरी तरफ से तो भाई 100% चांस इंडिया का ही है, मैं तो 100% टीम इंडिया की तरफ से बनाने वाला हूँ। चलो अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर मस्ट है पिक, ऑलमोस्ट मस्ट है पिक। तो देखो इंडिया की तरफ से मैंने कितने खिलाड़ी लिया है, तो 5 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से मैंने लिया है जिनको मैं अपनी सारी टीमों पे फिक्स लेके जाऊंगा, आप चाहो तो आप भी लेके जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुलदीप यादव को मैंने फिक्स लिया हुआ है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह को, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को, ऋषभ पंत को, ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं ना जिनको आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम दोनों जगह फिक्स लेके जा सकते हो, ये आपको डीम टीम में बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर बात करें जोस बटलर, उसके बाद जॉनी ब्रिस्टो और क्रिस जॉर्डन, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं ना जो आपको इंग्लैंड की तरफ से ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए दिख सकते हैं। अब ये टोटल 8 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम पे फिक्स कर सकते हो, 8 ऐसे प्लेयर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सीएनबीसी का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, सीबीसी का कॉम्बिनेशन। अब देखो इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव, उसके बाद रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, उसके बाद आ जाओ जोस बटलर इंग्लैंड की तरफ से और क्रिस जॉर्डन कहाँ से, इंग्लैंड की तरफ से। ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द आपको सीबीसी मिलने वाला है। अब आपको समझना है, जैसे आप 3-4 टीम 5 टीम बनाते हो ना, रोटेट कर लेना भाई, जो कंडीशन बताऊंगा ना किस कंडीशन में बैट्समैन को एज मिलेगा और किस कंडीशन में बॉलर को एज मिलेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसके हिसाब से आप कर लेना रोटेट, ठीक है। लेकिन ये 5 ही खिलाड़ी ऐसे हैं ना जिनके इर्द गिर्द आपको सीबीसी दिखने वाले हैं। चलो अब यहाँ पे ये इंडिया का प्लेयर है, आप देख सकते हो इंडिया के प्लेयर में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, ऋषभ पंत वनडाउन पे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और दीप सिंह और कुलदीप यादव, ये प्लेयर इंडिया का रहने वाला है। अब देखो इंग्लैंड का प्लेयर क्या कहता है, तो जोस बटलर के साथ फिलिप सॉल्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, वहीं पर जॉनी ब्रिस्टो वन डाउन पे, हरी ब्रुक सेकेंड डाउन पे, उसके बाद मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, ऋषि टोपड़ी, कुछ ऐसा प्लेयर इन दोनों टीमों का रहने वाला है। अगर इन दोनों टीमों में कुछ भी बदलाव हुआ ना तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूंगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, ठीक है ना, तो जाओ कर लेना भाई। चलो
आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अब यहाँ से देखो, यहाँ से डेप्थ एनालिसिस मैं शुरू करता हूँ। किस कंडीशन में किसको लेके जाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड लीग की टीम अगर बनाते हो ना या फिर स्मॉल लीग की टीम, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आपको टिके रहना है, ठीक है। देखो ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस पे नज़र डालोगे तो 15, 36, 20 इस तरह से देखो ड्रीम टीम का हिस्सा ये बनता हुआ दिख सकता है आपको। लेकिन एक चीज़ और भी है, इसमें ड्रॉप भी करने का आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन तीन तीन खिलाड़ी है जो टॉप क्लास का है, अब इन तीनों को एक साथ लेके जाना क्या संभव रहेगा? तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक लॉजिक लगाना है। देखो जोश बटलर की बात करें, 83 रन 17 रन 25 रन ये भी डिम टीम में बनता हुआ दिख सकता है। फ्लिप सॉल्ट ये भी डिम टीम में बनता हुआ दिख सकता है, 25 11 87। देखो अभी IPL खेल के आ रहा है फ्लिप सॉल्ट, कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाड़ियों को जानता है और इंडिया के खिलाड़ी सामने आएगा, अच्छा खेल सकता है भाई। अब देखो यहाँ से कितने खिलाड़ी लेके जाना है, 2 से 3 का कॉम्बिनेशन रखना, तीनों को भी लेके जा सकते हो। ऋषभ पंत को ड्रॉप करने का रिस्क आप फर्स्ट इनिंग में ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आए तो आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज सेकेंड इनिंग में रिस्क मत लेना। वैसे दोनों इनिंग्स में मैं लेके जाऊंगा, दोनों इनिंग्स में, लेकिन फिर भी होता है ना भाई, आपको ड्रॉप करने का मन करे ना तो कब करना, आपको सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करना है, फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल भी ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना। मतलब कि फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप नहीं करना है, सेकेंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो आप। बाकी मैं तो ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर जोश बटलर मुझे लगता है कि दोनों इनिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब फ्लिप सॉल्ट की बात करें, फ्लिप सॉल्ट को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट इनिंग में लेके जाओ, अगर ड्रॉप भी करना है तो सेकेंड इनिंग में कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, अब मेरा फेवरेट यहाँ पर ऋषभ पंत होने वाला है, जिसको मैं दोनों कंडीशन में लेके जाऊँगा, जोश बटलर होने वाला है। लेकिन फ्लिप सॉल्ट को भी एज है, ये चीज़ ध्यान में रखना, तीनों भी ड्रीम टीम में आ सकते हैं, लेकिन दो तो पक्का ही ड्रीम टीम में आपको बनता हुआ दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में हम देख लेते हैं। ये सेक्शन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कोर जो बनते हुए दिखेंगे, बता देता हूँ, 180 प्लस आपको स्कोर बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो, इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है तो मुझे लगता है 160 से लेके 170 का स्कोर बनता हुआ आपको दिखेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा पिछले मैच में क्या यार तगड़ा खेल के गया, मेरा कैप्टन भी था, 92 रन बना के गया, 23 रन 8 रन 3 रन इस तरह से, हालांकि पिछले रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब देखो यहाँ पर हेड टू हेड में बात करें तो 29 के एवरेज से खेलता है। वहीं पे विराट कोहली की बात करें तो लगातार फ्लॉप हो रहा है, लेकिन पीछे लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गया, उससे पहले 37, उससे पहले 24, तो कहीं ना कहीं दो टीम में डिम टीम में रहा है, लेकिन उससे पीछे बहुत खराब रिकॉर्ड था। अब देखो हेड टू हेड में 31 का एवरेज है और वेन्यू पे 59 का एवरेज है भाई, देख सकते हो वेन्यू पे अच्छा खेलता है। विराट कोहली टेक्निकल बल्लेबाज है, इस मैच में जरूर से अपनी टीम में कंसीडर करना भाई, कुछ टीमों पे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि इस मैच में फ्लॉप जा सकता है, लेकिन आपको ट्राई करना है, कब करना है, सेकेंड इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट इनिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो सूर्य कुमार यादव को, ठीक है ना। बाकी मुझे लगता है, मेरा ये प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि ये फ्लॉप जा सकता है। तो अब देखो जॉनी ब्रिस्टो मेरा फेवरेट रहने वाला है, जॉनी ब्रिस्टो अच्छा करके देगा भाई इस मैच में, 16 रन 48 रन 31 रन। अब देखो 24 के एवरेज से खेलता है हेटवर में और 68 के एवरेज से खेलता है इस वेन्यू पे, इंपॉर्टेंट रहेगा लेके जाना, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट इनिंग के लिए, सेकेंड इनिंग में आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। हैरी ब्रुक 53 रन, उससे पहले यहाँ पे 47 रन। देखो हैरी ब्रुक का कहने का मतलब ये है कि ऊपर से अगर आप एक खिलाड़ी ड्रॉप करते हो ना, चूँकि सेकेंड राउंड पे खेलता है ये, एक खिलाड़ी कोई भी ड्रॉप करते हो, जैसे मान लो फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप करते हो, उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो और वहाँ पे इसको तब ट्राई करना जब जॉनी ब्रिस्टो को आप ड्रॉप करते हो, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। अब यहाँ से कितने खिलाड़ी लेके जाना है ये फाइनली हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ कितने, एक तो मेरा फेवरेट यहाँ पे रोहित शर्मा रहने वाला है इस मैच में, उसके बाद देखो विराट कोहली को भी मैं ट्राई करूँगा, लेकिन विराट कोहली को मैं कब ट्राई करूँगा, जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग है, ठीक है ना, मैं ट्राई ज़रूर से करूँगा विराट कोहली को, ठीक है ना। सेकेंड इनिंग के लिए चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो आप, लेकिन मैं तो सेकेंड इनिंग में भी कुछ टीमों पर ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर रोहित शर्मा मेरा फेवरेट है। अब आ जाओ यहाँ पे जॉनी ब्रिस्टो मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर
मुझे लगता है कि तीन खिलाड़ी तो ड्रीम टीम में बनता हुआ दिख सकता है। वैसे तीन से चार का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो, चार भी आ सकता है, लेकिन तीन तो मुझे लगता है कि पक्का रहेगा ड्रीम टीम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ऑल राउंड सेक्शन में हम देख लेते हैं। देखो ऑल राउंड सेक्शन में इंडिया की तरफ से शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। अब यहाँ पे आपको बारीकी से समझना है, शिवम दुबे को आप फर्स्ट इनिंग में लेके जाना, सेकेंड इनिंग के लिए ड्रॉप कर सकते हो भाई, सेकेंड इनिंग के लिए ड्रॉप कर सकते हो। हार्दिक पांड्या की बात करें 27 रन पर, यार ये तो गजब है, अक्सर ड्रीम टीम में आपको बनता हुआ दिख सकता है। इस मैच में भी ड्रीम टीम में आपको बनता हुआ दिखेगा। मैच 14 खेला हुआ है, हेड टू हेड में 279 रन बनाया हुआ है, उसके बाद 14 विकेट ले हुआ, विकेट तो लेगा ही, ठीक है ना। अब वनी पे देखेंगे तो दो मैच खेला हुआ है, 34 रन बनाया हुआ है, दो विकेट लिया हुआ है, तो वनी पे भी अच्छा रिकॉर्ड है। रविंद्र जडेजा की बात करें भाई, रविंद्र जडेजा देखो यहाँ पर 6 मैच खेला हुआ, 85 रन बनाकर 4 विकेट। रविंद्र जडेजा मुझे लगता है कि ड्रॉप करके जाना चाहिए आपको। अक्षर पटेल अच्छा कर सकता है भाई, देखो यहाँ पे 3 मैच खेला हुआ है, 24 रन बनाया हुआ है, विकेट 0 है, विकेट नहीं लिया हुआ है, लेकिन चूंकि ये स्पिनर का मतलब पिच है, स्पिनर भी यहाँ पर विकेट्स अच्छे खासे लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एज मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन वाइज आप ट्राई कर सकते हो, तो सेकेंड इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर होगा जब बॉलिंग है इंडिया की, ठीक है। अब देखो मोइन अली की बात करें, मोइन अली इस मैच में आपको मुझे लगता है 3 से 4 ओवर कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। यहाँ पे लगातार देख सकते हो 9 रन 1 विकेट 13 रन 16 रन इस तरह से। अब देखो हेड टू हेड में 8 मैच खेला हुआ, 85 रन बनाया हुआ, 7 विकेट लेके गया हुआ। इस मैच में चूंकि पिच कुछ ऐसा है, यहाँ पर विकेट से लेके जा सकता है। लियाम लिविंगस्टन की बात किया, 33 रन 1 विकेट 13 रन उसके बाद इस तरह से। देखो 4 मैच खेला हुआ, 57 रन बनाया हुआ है, तो लियाम लिविंगस्टन फ्लॉप जा सकता है, आप कट मार के चलना। सेम करन को आप मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग के लिए ट्राई करना जब बॉलिंग है, ठीक है ना, अदरवाइज आप ड्रॉप करके जा सकते हो। अब मेरा फेवरेट यहाँ पे हार्दिक पांड्या रहने वाला, उसके बाद यहाँ पे मोइन अली मेरा फेवरेट रहने वाला, ये दो खिलाड़ी फेवरेट है। बाकी आप देखो ना यहाँ से 2 से 3 का कॉम्बिनेशन रखना, मुझे लगता है 3 खिलाड़ी बड़े शौक से यहाँ पे ड्रीम टीम में आ सकता है, तो आप रोटेट कर लेना जैसा मैंने आपको बता दिया। चलो अब बॉलिंग सेशन में चलते हैं, और यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है चूँकि यहाँ पर विकेट्स भी अच्छे खासे गिरते हैं। अब देखो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की बात करें, दोनों कंडीशन में लेके जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जसप्रीत बुमराह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कुलदीप यादव और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुलदीप यादव मुझे लगता है कि 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है, ठीक है। अर्शदीप सिंह फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है इंडिया की ना, तो भाई ये 2 से 3 विकेट ज़रूर से लेके जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ये तीनों खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। आदिल राशिद की बात करें, आदिल राशिद इंपॉर्टेंट रह सकता है इस मैच में, चूँकि आदिल राशिद देख सकते हो लगातार विकेट ले रहा है, और वैसे भी पिच जो है कहीं ना कहीं स्पिनर को फेवर करता है। जोफ्रा आर्चर की बात करें, जोफ्रा आर्चर पिछले मैच में विकेट लेस रहा, उससे पहले 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट इस तरह से। देखो यहाँ पे 5 मैच खेला हुआ, 7 विकेट लेके गया हुआ, इंडिया के अगेंस्ट विकेट लेता है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। आप ड्रॉप भी करना है तो फर्स्ट इनिंग के लिए ड्रॉप करना, सेकेंड इनिंग में मत करना। वहीं बात करें देखो ऋषि टोपली लगातार बहुत ख़राब प्रदर्शन है, लेकिन मैच 2 इंडिया के अगेंस्ट खेला हुआ, 4 विकेट लेके गया हुआ, इंडिया के अगेंस्ट विकेट लेता है, लेकिन फिर भी अभी रिसेंट फॉर्म में नहीं है, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और चाहो तो फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। क्रिस जॉर्डन को हर हाल में लेके जाना भाई, देखो 15 मैच खेला हुआ, 21 विकेट लेके गया हुआ। क्रिस जॉर्डन इस मैच में दोनों कंडीशन में चलेगा, और सीबीसी का कंटेंडर भी ये बन सकता है, मुझे लगता है कि 3 विकेट तो लेके जाएगा ही है, ठीक है ना, और इसका बैटल भी आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने खिलाड़ी लेके जा सकते हो, तो देखो मुझे लगता है कि यहाँ से 4 खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में बनता हुआ दिख सकता है। मेरा फेवरेट यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, उसके बाद कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ये तीनों मेरा फेवरेट है, क्रिस जॉर्डन मेरा फेवरेट है। 4 खिलाड़ी बड़े शौक से ड्रीम टीम में आ सकता है, वैसे 5 भी आप लेके जा सकते हो ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से, अर्शदीप सिंह ये करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, देखो ओवर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ठीक है। आज इंग्लैंड की तरफ से तो स्टार्टिंग ओवर यहाँ पर ऋषि टोपली, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर करते हुए देखेंगे। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टन, ए राशिद और मोइन अली और सैम करन, ठीक है। उसके बाद देखो ओवर यहाँ पर ऋषि टोपली, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ये करते हुए नजर आएंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपनी टीम यूनिक बना सकते हो और बॉलर्स को अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर बात करें ट्रंप प्लेयर की, तो ट्रंप प्लेयर जानना आपका ज़रूरी है, और देखो गिब्बे का सवाल भी आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रंप प्लेयर की हम बात करें
तो विराट कोहली इस मैच में ट्रंप प्लेयर आपको बनता हुआ दिख सकता है, अक्षर पटेल ट्रंप प्लेयर बनता हुआ दिख, ये दो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से। अब देखो यहाँ पर ट्रंप प्लेयर कौन बन सकता है, तो जॉनी बेरिस्टो यहाँ पर इस मैच में ट्रंप प्लेयर बनता हुआ दिख सकता है। वहीं पर बात करें तो ऋषि टोपली ट्रंप प्लेयर बनता हुआ दिख सकता है। ये चार ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको ग्रीन लीग में रोटेट करना चाहिए, अपनी टीमों पर रखना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम सवाल पूछ लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर हम प्लेयर बैटल देख लेते हैं। सवाल गिब्बे का सवाल आने से पहले देखो, रोहित शर्मा को क्रिस जॉर्डन ने 54 रन दे करके 33 बॉलों में एक बार आउट किया, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब देखो कोहली को यहाँ पर जॉर्डन ने 91 रन दे करके 71 बॉलों में 3 बार आउट किया, तो कोहली के लिए खतरा रह सकता है क्रिस जॉर्डन, रोहित शर्मा के लिए भी रह सकता है। कोहली को यहाँ पर आदिल राशिद ने 72 रन देकर के 68 बॉलों में 2 बार आउट किया हुआ है, तो आदिल राशिद भी खतरा रह सकता है। वहीं पे बटलर को बुमराह ने 2 बार आउट किया हुआ है, कितने 10 बॉलों में 3 रन देकर के, तो कहीं ना कहीं बटलर के ऊपर दबाव रहेगा जसप्रीत बुमराह का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो और बढ़ते हैं आगे चलते चलाते। दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, ये ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी है। उससे पहले भाई गिब्बे का सवाल वही है, इस मैच में कैप्टेंसी पारी कौन खेलेगा, क्योंकि अब तक कोई भी निकल के गिब्बे का क्वेश्चन सही जवाब नहीं दिया है। अब जब तक ये सही जवाब कोई नहीं देगा उस वक्त तक यही चलता रहेगा। तो आज के मैच में कैप्टेंसी पारी कौन खेलेगा, उसके फैंटेसी पॉइंट्स कितने होंगे, दोनों आपको बताना है, उसका नाम भी बताना है खिलाड़ी का और फैंटेसी पॉइंट्स भी बताना है। 5 के अंतर में बता सकते हो, जैसे 80 से 85, 90 से 95, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से बता देना। चलते चलाते दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों फटाफट से लाइक कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।